Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. तो आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ. एक्चुअली मैं बहुत थक गई थी और इसलिए भी और काफ़ी काम भी घर के भी होते हैं तो इसलिए भी हम जो है बहुत बिजी थे और हम व्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाए. तो मैं आज ये बताने जा रही हूँ कि आज कुछ ख़ास होने वाला है व्लॉग में. तो आज ख़ास ये होने वाला है कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी. शानू, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी त्रिमोहन की वॉइस पे. त्रिमोहन एक यूट्यूबर है और वो अब इंस्टाग्राम पे भी रील्स बनाते हैं. उनकी रील्स काफ़ी फ़नी होती है. तो मैंने उनकी रील्स पे उनकी वॉइस पे शाहनवाज़ की रील बनाई थी एंड उसमें उन्होंने रिप्लाई भेजा था. और उन्होंने मैंने एक जोया के साथ भी रील बनाई थी उनकी वॉइस वाली, तो उस पर भी उन्होंने रिप्लाई किया. तो ऐसे बातचीत स्टार्ट हुई. मैंने कहा कि भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और काफ़ी एक उनका वीडियो ऑडियो उनका एक ऑडियो बहुत फेमस हुआ था. ज्योति मेडिकल्स वाला एक ऑडियो जो है उनका यूट्यूब पर था, वो बहुत फेमस हुआ था. ओह माय गॉड, मेरे बाल इतने वो हो रहे हैं ना, ये ना तो बहुत फेमस हुआ था. उसके चक्कर में फिर मतलब मैं उनकी ऑडियो सुनती हूँ, है ना. तो शाहनवाज़ भी बहुत सुनते हैं उनकी ऑडियो. तो उनसे बातचीत हुई. मैंने बताया शाहनवाज़ को कि उन्होंने मेरे रील्स पे रिप्लाई किया है. तो शाहनवाज़ बोलने लगे बुलाओ. शाहनवाज़ कह लेंगे बुलाओ उन्हें घर पे. तो मैंने उनसे बोला कि भाई घर आइए, शाहनवाज़ मतलब मेरे हस्बैंड आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बात है. उन्होंने कहा ठीक है, हम आते हैं कुछ दिनों बाद. फिर हमने सोचा शायद बिज़ी हूँ, बेफालतू किसी के पीछे लगना, तो फिर मैंने कहा सही नहीं है. तो उसके बाद फिर कोई हमने रिप्लाई नहीं किया और उनका भी कोई रिप्लाई नहीं आया. तो अभी उनके आज मैसेज आया कि माजरत चाहते हैं और मैं बिल्कुल दिमाग से भूल गया और आप जिधर रहती हैं वो बहुत दूर है मेरे घर से, मतलब मैं चौक में रहता हूँ, मुझे उधर का एड्रेस नहीं. मैं बेसिकली वो इलाहाबाद के हैं तो उनको यहाँ का एड्रेस ज़्यादा नहीं पता है. तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होने लग गए. उन्होंने बाकायदा वॉइस नोट भेजा मुझे. तो ये हुआ. फिर उसके बाद शाहनवाज़ बोल गया लेकिन भाई के साथ आप आइए हमसे मिलने के लिए. हमने शाहनवाज़ को बोला हम शाहनवाज़ चलेंगे क्या मिलने. शाहनवाज़ कह लेंगे चलो चलते हैं मिल लेते हैं. भैया यूट्यूबर हैं, उनके काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है. तो हमने कहा चलो ठीक है मिलते हैं. तो हम लोग कल परसों मिलने वाले थे बट उन्होंने बोला कि वो कल सुबह ही इलाहाबाद वापस चले जाएँगे, उनकी मम्मी की शायद तबीयत ख़राब है या कुछ है. तो हम लोग अभी जा रहे हैं, बस अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ. इससे पहले मैंने आपको सोचा पूरी स्टोरी बता दूं. तो मिलते हैं तैयार होने के बाद. सो मैं रेडी हो गई हूँ. कैसे लग रही हूँ? तो हम लोग जा रहे हैं. टाटा. लखनऊ आ गए हम. अरे वाह, आप तो भाई ईद का चांद हो जाते हैं. आप चले जाते हैं तो हम भी उदास हो जाते हैं, हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता है भाई. अरे लखनऊ आ गए, आपको गाने बजाने का मन करेगा वरना तो बाहर. क्यों, रास्ते भर गाने नहीं सुनते क्या? बस रास्ते में बस मन गाने तो बजते रहते हैं लेकिन सुनते नहीं, हम बस सो जाते हैं. हम तो बस होते लखनऊ पहुँचे, बस काम निपटा के. ये बात आपने बिल्कुल सही. लखनऊ की बात ही अलग है. तो ये बात सही आपने कही, लखनऊ इज लखनऊ. लखनऊ को कोई बीट नहीं कर पाया. क्या बोलते हैं आप? हमें लगता है लोग बाहर भी चले जाएंगे तो भी लखनऊ के जैसा मजा नहीं आ सकता है. नहीं, बाहर तो हो ही आ चुके हैं मालदीव्स. बाहर आपने यहाँ पैदा हुए हैं ना, ये खून आपके खून में, ये मिट्टी है. बिल्कुल बिल्कुल, खून में तेरे मिट्टी और मिट्टी में तेरा खून. ऊपर वाली नीचे धरती बीच में तेरा जुनून रे सुल्तान.
मैं पहले लोकेशन तो ले लूँ ना कि यहाँ आए हैं। मैं तो व्लॉग बना रही थी, मैंने भी स्टार्ट कर दिया। तब बनाइए, तब बनाइए। मैं तो सप्लाई बना। अन्ना की खुद निकाल रहे थे, तुम निकालो शानवाल। निकाल लेंगे, सबकी एक्टिंग करते हैं। कलाकार आदमी है ये, हमने वीडियो देखा है, लगते नहीं है आपने। अब YouTube वाला जब चैनल बना है तो ज्योति मेडिकल स्टोर, उसके बाद हमें नहीं पता था कि हमारी ऑडियो एक रेस्टोरेंट में, वहाँ गए तो उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन आपने चैनल बना लिया। हमने कब बनाया, दिखाया ऑडियो तो उसमें मेरा फोन जल गया, कोई में 8 लाख व्यूज, कोई में 5 लाख। तब हमने कहा हमारा चैनल कौन बनाएगा, तो कहने लगा भाई जब आप कहिए तब हम आके बना दे। तो मैं कहा क्लेम करने में ये मेरा ऑफिशियल नेम नहीं, फिर जो बनाया है तो फिर बनती गई, बनती तो गई। कॉपीराइट तो कर सकते थे ना, कॉपीराइट उस टाइम मेरे कुछ चैनल नहीं था कॉपीराइट। हाँ, कहाँ से थे? अभी हम लखनऊ आने से पहले 18 चैनल पे कॉपीराइट मारा है, उसमें डॉग मेमे थे और जितने भी डॉग के ऊपर एनी कार्टून पे मेरी ऑडियो लगा देते थे। एक पानी निकाल दो, बस भाई इतना। अरे ठीक है, पता थोड़ी चलेगा, वो हवा है, लीजिए खुला कर दीजिए। ये तौसीफ है, ये फ्रेंड है शाहनवाज के, बहुत जिगरी, बहुत मतलब ये मेरे बहुत करीबी दोस्त, बहुत करीबी दोस्त, मेरा घर जैसा है, छोटे घर में पार्टनर भी है, दोस्त भी है, भाई भी है, सब है। और मेरे बारे में क्या भाई, भाई भैया हम तो आपके बहुत बड़े फैन हैं, जो बात आपको तो यकीन नहीं होगा, सुनिए। खराब लग रहा है, हमें रास्ता नहीं मालूम, उधर एड्रेस नहीं मालूम, हम लखनऊ। अरे हमारा इतना मूड खराब हुआ, इतना मुंह फोड़ के बोला हमने कि आइएगा घर, ऊपर से आपने एकदम इग्नोर ही मार दी। हमने कहा हम पूछेंगे नहीं, हमने खुद याद आया तो हमें बड़ी शर्मिंदगी लगी, हमने तुरंत मैसेज किया आप जिसमें हैंकी नहीं पहने, वो वीडियो पे मेरी नजर पड़ी। पता एक हंसी और मिली यूट्यूब पे आने से पहले, अगर इंस्टा पे आप उस टाइम अभी रील्स आया है अभी, और अभी यकीन मानिए आप प्रोफाइल आप टिकटॉक पे नहीं थे क्या? नहीं, टिकटॉक पे हम अपना वो जो है शौकीन जो डिजिटल का और म्यूजिक उस टाइप का अपना बना जो है उस पे आप रहते हैं, आपके और मिलियंस में तो होते करिए था, देर में सो के उठते थे, फिर अपना यूट्यूब पूरा लैपटॉप खोल के बाइक चेक करो क्या कमेंट आया, क्या सब्सक्राइबर बढ़ गया, पूरा एटिलेटिक्स देखना, बहुत उसमें जाम था। अब आप किस टाइम बनाएं यूट्यूब में जो है एटिलेटिक्स टाइम तो यूट्यूब ले लेता है, एडिटिंग का वो सब हो जाता है, मूड खराब हो जाता है, सही गलत चला था अरे यार। अब उसमें कब टिकटॉक बनाए, कब हम झूला लेके जाएं, उसमें 5 शर्ट बदलें, उसके बाद रखें, फिर अभी 2-3 महीने से तो रील बनाना चालू किया। अरे अम्मा 8-10 मिनट हम हंसाने वाले, 15 सेकंड आप कम से कम 4-5 वीडियो डालिए एक दिन में, 4-5 वीडियो एक दिन में डालिए, इतना मजा आता है, हम तो एक वीडियो कितनी बार देखते हैं। पर लाना भी जो है सही बात है, आजकल किसी को हंसाना आसान बात नहीं है। हमारी रील मुश्किल से 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करके बना देते हैं। जो लड़की ईशा आई थी कानपुर से हमसे मिलने, जो अंजलि अंजलि वाला था, तो अपना सर पकड़ ली, कहने लगी तुम इतनी तेज ये बनाया, ना पहले से कुछ सोचा ना कुछ करा, हाँ, on the spot. ये बनाया, ये बैठ के मेरे सामने एडिट कर दिया, डाल दिया और दूसरी बनाया, क्या हो तुम यार, बताया। अब आदत पड़ चुकी है, अब हम YouTube की जितनी ऑडियोज है आज तक हमने नहीं लिखा, सब सोचते हैं स्क्रिप्टेड है, आज तक हमने नहीं लिखा। नहीं, अगर स्क्रिप्ट पे आप थोड़ा फोकस उस पर करके चलते, वीडियो शुरू से नहीं बनाई, वीडियो अगर हमें जो ऑडियो है वो वीडियो होती है, कोई होता थोड़ी है, मैं गलत, ये तो है। अगर वो जो ज्योति मेडिकल स्टोर
वो ऑडियो अगर ना होकर वीडियो हो तो आज बिग बॉस में अगला नंबर आप ही का होगा। हम ये कह रहे थे ना, हमें सीरियल में जाने का शौक है ना पिक्चर में जाने का शौक है। और दूसरी चीज़ की आदमी सोचता है कि हम हीरो बन जाए, मगर कहाँ जब बड़े बड़े स्टार कहाँ, हम लोग नसीब का खेल होता है। मगर बिग बॉस का हमें बहुत ज़बरदस्त शौक है, वहाँ जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। नहीं, अपनी दुनिया के खुश सिकंदर है। सही बात है। एक वीडियो वायरल होने की वेट है अभी। वो फोन आया है बाथरूम वाला, अरे बिग बॉस चालू हो गया है ना, बाथरूम में फेमस हुआ था लड़का जो है, फ्लाइट में था तो फ्लाइट में जो है बाथरूम के कपड़े पहन के पूरी फ्लाइट में बैठ गया था। उससे फेमस हुआ, उसका वायरल हुआ वीडियो, वहां से वो ले लिया गया। उससे जो बुला लिया, किस्मत किस्मत की बात है। ऑडियो थोड़ा वीडियो पे जिस दिन आपकी एक इतनी अफ्तावर सब्सक्राइबर्स भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ तो है, सब कुछ। जब कहीं वीडियोस पे अगर आप फोकस कर ये है ना कि वीडियोस बनाए, हमें तो सिद्धार्थ श्रीवास्तव है, पश्चिम में एशिया कंट्री के मैनेजर हैं बीबीसी लंदन न्यूज़ की, उनकी पूरी फैमिली हमारी फैन, वो आए थे इलाहाबाद, फिर लखनऊ में बुला के उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था कैनन का कैमरा पूरा सेट 200D, सारी चीजें रखी हुई बना नहीं पा रहे। चक्कर क्या है कि अब्बा का इंतकाल साल भर से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, हाँ वहीं से मामला खराब हो गया, नहीं तो बहुत कुछ कर डालते सोचे बैठे थे। एक लौके में घर की जिम्मेदारी, अपना काम, फिर दुनिया का काम, शादी हो गई, कितने बच्चे, एक। अच्छा। तो यहाँ बीवी छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं 17-18 दिन? यही है, यही है। अच्छा यही है, तो हम तो कहते हैं फैमिली के साथ ही आते हैं घर आप। हाँ आइए, आएंगे इंशाल्लाह अगली बार, कल तो जा रहे हैं। अब अगली बार जब भी आइए फैमिली को साथ लेके आइए। मैंने कितनी आपकी 3 यहाँ एक है, 2 हम हैं, 3 हम लोग, ये लो आप लोग 4 हो। शादियाँ हो गई बहनों की? दो की होगी एक। ये थी हमारी कहानी इसके ब्लॉग में। अब चलने का वक्त आ गया। ओके गैस गैस भैंस परवास चलिए आइएगा जरूर अब फैमिली को लेके इंशाल्लाह। वादा किया था निभाना तो है नहीं, पैसा लिया था देना तो है नहीं, कितना भी फोन मिलाओ उठाना तो है नहीं, कब दोगे कैसे दोगे बताना तो है नहीं, जो दे दो किया वो निभाना पड़े। नहीं आप भी अन्ना की आवाज निकाल लेना, आप अन्ना की आवाज जी अल्लाह। ओ भाई कैसे हैं आप? पूरा सही बोलिए जैसे बोलते हैं। आ जाएगी आ जाएगी। ओके निकाला है आप, बड़ा करिए ना, बड़ा करिए, आगे इससे ज्यादा गला रुकता नहीं है, हो जाएगा। ओके कैसे हैं? हम तो ठीक है भाई, आपकी दुआ है। कैसा लगा आपको मिलकर? यार वो भी मेरा फैन है, तभी तो हमको बुलाया इससे। आपके फैन है वो? यार दोनों एक दूसरे के फैन है, उसने बुलाया मैं मिलने चला गया। अच्छा जी, वैसे ही इज अ नाइस पर्सन ना, नाइस गाय, नाइस गाइस गाइस
और मैं कैसी लड़की हूँ? You are my best friend and my wife. You are my honey. You are my pumpkin, pumpkin. Hello, honey, bunny. Bunny, honey. खाओ हनी और बन जाओ बनी। ये। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और मैंने पान खाया इसीलिए लाल हो गया पर अब।